जिस कदर आलोक का सर ऐसा रहा, हाँ। रोते रहे रोते रहे रोते रहे, माफी मांगते रहे आलोक अपनी पत्नी ज्योति मौर्या के सामने। इसमें कितना मिला जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हमें सुमित कुमार, पिछले 2 महीना में सीएम ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या का केस पूरे देश में किस तरह से वायरल हुआ, सब लोग इंटरेस्ट ले रहे थे कि उस मुद्दे में क्या होता है। मतलब परिवार बस। अच्छा, एक जो आरोप लग रहा था ज्योति मौर्या पर कि वो मनीष दुबे के साथ है और अपने अपने पति को छोड़ दी, तो क्या बच्चा के खातिर भैया सिर झुके उनके भी अफेयर थे क्या? आपके तो रासलीला हर बात तो करे बोलेगी। अच्छा, इस तरह से है कि रासलीला वर्ड होने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अगर अफेयर है तो एक होता है विद्यार्थी, तो गिनतियां जब शुरू हुई ना तब तो फिर हम लोग सब चुप, एक होता है चुप हो गए कि क्या ही बोले। तमाम लोग कह रहे थे कि ज्योति मौर्या कहीं ना कहीं गलत है, आलोक मौर्या ने पढ़ा लिखा कर सीएम बनाया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, तो वहां जाने के बाद आपको लगा कि आलोक मौर्या ही गलत है। हम लोग शुरू से नहीं बोले थे के पीछे हमेशा बात करती थी, आखिर ये हुआ कैसे कि जो बोल दिया वो गलत कैसे हो गया, नहीं नहीं जो बोले वो गलत कैसे हो गया, इसको एकदम साबित करने के लिए। देखिए आज तक ऐसा नहीं हुआ, जो हम लोगों ने बोला है, मीना जी ने बोला है वो होता है, इसको दैविक शक्ति बोली या कुछ भी बोलिए, सब लोग पूरा देश विरोध किया, जो साथ दिया सही है और एक ही तथ्य पे कि दोनों को एक करना है। अब क्या स्थिति, आप दोनों का स्थिति क्या कर रहे हैं? इतना कोई भी घाव रहता इतना जल्दी भरता है नहीं, वक्त लगता है, तो बस वक्त दीजिए और वक्त का भी देना लोग छोड़ दें। देखिए मैं आप लोगों से नहीं बोल रही हूं, आप बताइए आपको वहां पूरा जब दोनों लोग आमने सामने हुए, पूरा 4 घंटा आपने काउंसलिंग किया, उसके बाद क्या लगा, आलोक मौर्या ज्यादा दोषी थे या ज्योति मौर्या ज्यादा? आलोक मौर्या ज्यादा दोषी है। देखिए बहुत, लेकिन पूरे देश का पूरे तो ये तो बिना बात भी बोलेंगे ना, ये तो हमेशा से कर आलोक मौर्या की गलती है। आलोक मौर्या ने जितनी गलती अपने
ना सिर्फ परिवार का बाहर के लोगों का भी माफी के लायक वो नहीं है।